हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। देखिए, ये एक छोटी सी वीडियो है जस्ट टू क्लियर योर डाउट, क्योंकि दो बच्चों के मेल आए हैं और उन्होंने ये पूछा है कि हमें ये बता दीजिए मैम, क्लियर कट कि जो इगोसेंट्रिक स्पीच है वो किसने दी है, मतलब पियाजे वाइगोत्स्की, जो भी आपके डाउट्स है। ठीक है, हालांकि मैंने पियाजे जब कराया था आपको, अगर आप पेडागोजी एंड साइकोलॉजी की मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ मैंने पियाजे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है पियाजे ने क्या इगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में बोला है, वाइगोत्स्की पे वीडियो बनाई हुई है। खैर, जो भी है, एक डाउट था और क्योंकि मुझे लगा कि चलो भी कन्फ्यूजन है तो इसको क्लियर किया जाए। हालांकि मैंने टेलीग्राम में एक शेयर किया है बुक का पेज, आप वो भी पढ़ सकते हैं, और जिन बच्चों को डाउट है ये वीडियो देख लें, जिन्होंने पहले से देखा हुआ है वो भी रिविजन के लिए देख सकते हैं। तो इट इज अ शॉर्ट वीडियो है ना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है। दूसरी चीज, मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि आप अपने डाउट जो है मुझे ज्ञान आई क्यू मेल पर डाल सकते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें भाई जिसके जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और सच कहूं तो मैं कुछ दो चार दिन से आई एम नॉट वेल, तो मैं वीडियो नहीं बना रही थी। इवन आज का भी मैं ब्रेक लेने वाली थी, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा इमीजिएट है, बच्चे कह रहे हैं मैम हेल्प कर दो, तो मैं थोड़ा सा पिघल जाती हूँ। सो बेसिकली बात यह है कि देखिए, आज हम मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी चिल्ड्रंस की प्राइवेट स्पीच के बारे में। इसके अलावा वर्क एंड आर्ट एजुकेशन की बहुत डिमांड आ रही है कि वर्क एंड आर्ट एजुकेशन पर वीडियो बनाओ, उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी फॉर श्योर। ओके, और जो बाकी डाउट्स हैं उनको, एक प्री नेटल पर भी किसी ने एक डाउट बोला है कि प्री नेटल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उसमें देखती हूँ कंटेंट ढूंढकर फिर मैं आपको देती हूँ। ऑथेंटिक सोर्सेज से ही मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती हूँ। सो ऑथेंटिक कंटेंट में ढूंढ लूँ, उसके बाद मैं आपको देती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, चिल्ड्रंस प्राइवेट स्पीच, अब ये मुद्दा कहाँ से उठा है, क्या उठा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बच्चों ने मुझसे पूछा है तो मैं अब आपको इसका थोड़ा सा बताने वाली हूँ। तो देखो भाई, पहले तो ये बात कर लो कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज पर अपने आप में वाइगोत्स्की पियाजे दोनों बात करते हैं। इस पर ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो डिटेल वीडियो देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में। लैंग्वेज बेसिकली देखो, पियाजे जो है उन्होंने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वाइगोत्स्की ने भी अपना सिद्धांत दिया, लेकिन उन्होंने सोशल पर्सपेक्टिव में संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया। अंडरस्टैंड, अब हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स की बात वाइगोत्स्की भी करते हैं, पियाजे भी करते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैडम हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स की बात तो वाइगोत्स्की करते नहीं है। भाई आप लोग कहां से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन वाइगोत्स्की इज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट बेसिकली, है ना। उन्होंने बच्चों को बहुत एक्टिव माना है। इन्होंने बस एक चीज ऐड की है कि बच्चों का जो सामाजिक परिवेश होता है, जो उनके साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं, जो उनके टेक्निकल टूल्स होते हैं, उनकी कल्चर, उनकी सोसाइटी जो है, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल निभाता है। ठीक है, पहली चीज तो ये जान लो। अब बात है, लैंग्वेज पर बात करते हैं। तो देखो, जो पियाजे हैं उन्होंने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया लैंग्वेज को, क्योंकि पियाजे का ध्यान जो है वो स्कीम्स पर और जो बेसिक मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उन पर ज्यादा रहा। तो इन्होंने कहा कि जो थॉट प्रोसेस जो है, यानी कि जो हमारे दिमाग में विचार है वो पहले आ जाते हैं, लैंग्वेज उसमें कोई ज्यादा खास रोल नहीं निभाती है। जैसे ही विचार आ जाता है तो हम बोलने लग जाते हैं, कहते हैं ना कि भाई संज्ञानात्मक विकास हुआ, विचार आए और एक बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। तो विचार जो है वो पहले आ रहे हैं, फिर आप लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। लेकिन वाइगोत्स्की थोड़ा उल्टा बोलते हैं, वो कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट पहले होता है, क्योंकि बच्चा अपने सामाजिक परिवेश में आता है तो अपनी भाषा से वो एक तरह से कहते हैं रूबरू होता है। तो भाषा जो है पहले आती है, थॉट विचार जो है वो कॉग्निटिव फैक्टर वाली चीज वो बाद में आता है। सो ये वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है, अब डिस्पाइट द पावर ऑफ लैंग्वेज, पियाजे डिड नॉट बिलीव दैट इट प्लेज इन मेजर रोल इन चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है, यहाँ पे मेजर रोल निभाती है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। इस बात को पियाजे ने नेग्लेक्ट कर दिया, और जो कि किया है उन्होंने। देखो अब क्यों नेग्लेक्ट किया, अब वाइगोत्स्की ने तीन तरह की स्पीच की बात करी है। अब ये प्राइवेट स्पीच किस तरह से गाइड करती है, पहले मैं वो स्पीच वाले वो दिखा दूं पेज आपको, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली स्पीच वाला मुद्दा उठा कहां से, क्योंकि रोल ऑफ लैंग्वेज जो है इसके बारे में वाइगोत्स्की ने तीन तरह की स्पीचेस की बात करी है कि भाई लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल है, है ना। अब इस चीज पर ध्यान देना कि वाइगोत्स्की ने दो तरह के टूल्स की बात की है, एक तो होते हैं आपके साइकोलॉजिकल टूल्स और एक होते हैं आपके टेक्निकल टूल्स, यानी कि तकनीकी टूल और मनोवैज्ञानिक टूल। तो जो मनोवैज्ञानिक टूल है उसके अंदर आती है लैंग्वेज, और उन्हें कहा था लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। और लैंग्वेज किस तरह से रोल निभाता है हमारी सोसाइटी के साथ मिलकर, तो सबसे पहले जब बच्चा 2 साल तक का हो जाता है तो वो क्या करता है, बेसिकली जब 2 साल का बच्चा होता है तो आपको पता है थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर लेता है, बैबलिंग से कहीं बहुत आगे बढ़ जाता है, मम्मा पापा, मतलब इस तरह की चीजें यूज करने लग जाता है। वो बच्चा जो है इंटरैक्ट करता है अपनी सोसाइटी से, सबसे मेन डेवलपमेंट ये होती है कि वो इंटरैक्ट करने लग जाता है। जब बच्चा इंटरैक्शन करेगा तो कोई मीडियम तो चाहिए ना, वहां आती है आपकी सोशल स्पीच। वो सोशल इसलिए बोली जाती है क्योंकि वो इंटरैक्शन फेज में होता है अपनी सोसाइटी के, अपने रिलेटिव्स के, जिसके भी, ठीक है। तो इसको उन्होंने सोशल स्पीच नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ लैंग्वेज एक तरह से आप कह सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ लैंग्वेज एक तरह से हो रहा होता है।
तो सामाजिक भाषण का नाम दिया। फिर वो पहुंचते हैं कि 3 साल की उम्र तक का बच्चा, 3 साढ़े 3 साल का बच्चा, देखो ये कोई फिक्स्ड एजेस नहीं है, ये हर बुक में अलग अलग क्राइटेरिया होता है इनका, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जो आपका मुद्दा आज का है वो है प्राइवेट स्पीच। 3 साल की उम्र के बाद इन्होंने कहा कि बच्चा जो है प्राइवेट स्पीच यूज करने लग जाता है, दैट मीन्स कि ही इज डायरेक्टिंग हिज बिहेवियर थ्रू प्राइवेट स्पीच। कहने का मतलब ये है कि जब वो खेल रहा है, अकेला खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बेसिकली वो उस प्राइवेट स्पीच का यूज कर रहा है। और ये प्राइवेट स्पीच जो होती है ओवर्ट होती है, मतलब बाहर से बोलता है इस चीज को। 3 साल का बच्चा आप देखोगे एक अकेले कॉर्नर में खेलता रहता है तो अपने आपसे बातें करता रहता है, अपने खिलौनों से बातें करता रहता है ना। साइड में अगर उसके कोई बच्चा खेल भी रहा है तो भी अपने आपसे बातें करता रहेगा, खिलौनों से बातें करता रहेगा। वो बात करते करते कर क्या रहा है? वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि वो अपने बिहेवियर को डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि वो अपने आप को डायरेक्शंस दे रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो करना है, क्योंकि कोई आसपास है नहीं बातें करने के लिए, तो प्राइवेट स्पीच का यूज कर रहा है। अब ईगो सेंट्रिक का मुद्दा कहाँ खड़ा हुआ? इस प्राइवेट स्पीच को पियाजे ने कहा कि ये प्राइवेट स्पीच नहीं होती है, ये ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है, क्योंकि वाइगोत्स्की इसको पॉजिटिव ले रहे हैं कि नहीं प्राइवेट है, ये बच्चा निजी भाषण कर रहा है अपने आप को डायरेक्ट करने के लिए। पियाजे कहते हैं ये कोई प्राइवेट स्पीच नहीं है बल्कि ये एक ईगो सेंट्रिक स्पीच है। पियाजे ने क्लियर कट इस वर्ड का यूज किया है, टेलीग्राम पे जाके उस पेज का फोटो देख लेना प्लीज, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट स्पीच है प्राइवेट स्पीच ना होकर एक ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है। देखो ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये आत्म केंद्रवाद की जो भावना, आत्म केंद्रित कह सकते हो आप हिंदी में इसको, कि बच्चा अपने आप पर ही केंद्रित है क्योंकि वो प्री ऑपरेशनल स्टेज पे होता है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज पे ना उसको कंजर्वेशन आता है, ना उसको सेंट्रेशन आता है ना, मतलब कि ना वो रिवर्सिबल थिंकिंग कर पाता है, ना दूसरों के पर्सपेक्टिव को ले पाता है, उसके अकॉर्डिंग मेरा जो है वो मेरा ही है, भले दूसरा बंदा क्या कह रहा हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे पापा, वही वाली बात है ना कि कोई चीज है तो उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, दूसरे क्या बोलते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि वो अपनी ही दुनिया में है, आत्म केंद्रता की भावना उसमें बहुत बढ़कर होती है, प्री ऑपरेशन में पीक पर होती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो भाषण यूज कर रहा है बच्चा, ये भी एक ईगो सेंट्रिक स्पीच है, जहां पर वो सिर्फ अपने आप से बातें करता है, अपने अपना ही पर्सपेक्टिव समझता है, दूसरा कोई कुछ भी कहे वो फिर भी अपने आप से बातें करता रहेगा, और बेसिकली ये जो टॉक फॉर सेल्फ होती है ये उसकी ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है। तो इस वर्ड का यूज किया है पियाजे ने, ठीक है। अब ये चीज आपने मान ली। अब जब तक पियाजे थे, क्योंकि वाइगोत्स्की काफी लेट आए उनके बाद, लेकिन जब पियाजे थे ना तो पियाजे तक सभी ने यही सोचा हाँ भाई ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है वो, लेकिन वाइगोत्स्की के आने के बाद पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, जहां वाइगोत्स्की ने इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया, ठीक है। तो ये प्राइवेट स्पीच जो है ये वाइगोत्स्की ने कहा था कि दिस इज प्राइवेट स्पीच विच डायरेक्ट द चिल्ड्रन टू डू सम वर्क और टू प्ले, है ना। लेकिन पियाजे कहते हैं नो, इट इज एन ईगो सेंट्रिक स्पीच, एक ईगो सेंट्रिक स्पीच है। बेसिकली ये दर्शाता है कि बच्चा किसी और का पर्सपेक्टिव ले ही नहीं सकता, वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से ही सोचता है, ओके। और बाद में जब 7 साल का होता है उसके बाद होता है तो साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है, और ये साइलेंट इनर स्पीच का हम लोग भी यूज करते हैं, मुझे तो लगता है हम लोग प्राइवेट स्पीच का भी यूज करते हैं। कई बार हम घर में अकेले होते हैं तो हम कुछ काम करते करते अपने आप से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, बेसिकली काम भी होता रहता है, डायरेक्शन मिलती रहती है वो। सो आई ऑल्सो सपोर्ट वाइगोत्स्की इन दिस, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट नो आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो भाई ये मुद्दा था ईगो सेंट्रिक स्पीच का और प्राइवेट स्पीच का, मुझे नहीं पता दूसरी बुक्स में क्या है, मेरा सोर्स बहुत ऑथेंटिक है। लोरा ये वर्क बुक जो है प्रॉपर पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है, आई थिंक पियर्सन पब्लिकेशन है या क्या है आई डोंट नो, सॉरी लो प्राइस एडिशन है, पियर्सन एजुकेशन की बुक है ना, थोड़ी फॉरेन बुक है लेकिन सही ऑथेंटिक है, बहुत एग्जाम्पल्स के साथ उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये ईगो सेंट्रिक स्पीच जो है ये पियाजे ने इस वर्ड का यूज किया था, ठीक है। दी उन्होंने कुछ ऐसे नहीं थी कि दी है, उन्होंने इस वर्ड का यूज किया था स्पेशली, और उन्होंने दिया किसके लिए था, प्राइवेट स्पीच जो है ये वाइगोत्स्की ने दी थी, और ईगो सेंट्रिक वर्ड का यूज पियाजे ने किया था। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है इस पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या होगा। तो जब आप क्वेश्चन मेरे सामने लेकर आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर दूंगी। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आपको स्पीच में डिफरेंस नजर आ गया होगा। साइलेंट इनर का मतलब है कि जब आपकी ओवर्ट ना होकर इनर्ट हो जाती है, आपकी बात सुनाई नहीं देती बट आप अपने आप से बातें करते रहते हैं, तो वो भी गाइड करता है आपको, ओके। और हाँ एक बात और, ईगो सेंट्रिक स्पीच को पियाजे ने जो है कलेक्टिव मोनोलॉग भी बोला है। अब इस पर भी क्वेश्चन आ जाए क्या पता। कलेक्टिव मोनोलॉग, कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब यही है कि उसका अपना एक वो होता है, अपने आप से बातें करने वाला एक जो कलेक्शन बनता चला जाता है, और जो कि उसको क्या बोलते हैं अपने ही पर्सपेक्टिव के बारे में दर्शाता है। तो इस ईगो सेंट्रिक स्पीच के लिए उन्होंने कलेक्टिव मोनोलॉग वर्ड का भी यूज किया है, ठीक है भाई। चलिए तो फिर आप वर्क एंड आर्ट एजुकेशन पर कल पूरी कोशिश है, कल आपको वीडियो मिल जाए उस पर वर्क एंड आर्ट एजुकेशन पर, और जो भी डाउट्स है ज्ञान आईक्यू वाली मेल आईडी पर मेल कर देना, ओके। और थोड़ा सा सुधार आते ही वीडियोस आपके बना दूंगी, ओके। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान आईक्यू।